नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आरोग्य धाम के चिकित्सकों ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री से सैनिकों की सुरक्षा के लिए किए मासूम सवाल। पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों की बरसी पर आरोग्य धाम के चिकित्सकों ने राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के साथ प्रकट की अपनी भावभीनी संवेदनाएं। आरोग्य धाम ग्वालटोली के तत्वावधान में अमर जवान चौक मोती झील चौराहा पर एक एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के प्रबुद्ध जन एवं युवा वर्ग ने मोमबत्ती जलाकर पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कानपुर शहर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि देश इन वीर जवानों का बलिदान कभी भूल नहीं सकता है। सीलिंग हाउस की छात्रा अरिमा मोहन ने देश के प्रधानमंत्री से जवानों की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। कार्यक्रम में आरोग्य धाम के संस्थापक आर मोहन, शहर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, सचिन शुक्ला, प्रमोद पांडे, डॉक्टर अभिषेक सिंह, श्रुति सौम्या, किरण तिवारी, अरिमा मोहन, विठल मोहन, राहुल दुबे, संजय जायसवाल, आर एन खन्ना, अशोक मोहन, नरेंद्रजीत सिंह मिंटा, कमल गुप्ता, प्रशांत शर्मा, ओम द्विवेदी, नितिन पांडे, सुनील मिश्रा, किशोर आहूजा, टीना आहूजा, प्रखर दीक्षित, पंखी तिवारी, राजा तिवारी एवं आशीष यादव आदि उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। हमारे जवानों के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में आरोग्य धाम एवं अन्य तमाम सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं ने मोती झील अमर जवान ज्योति पर पहले जलाकर उनको श्रद्धा पुष्प अर्पित किया। जय हिंद, जय भारत। क्या है आज हम लोग मोती झील में जो अमर जवान अमर चौक चौराहा है, यहाँ पर जो पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, आज उनकी तीसरी बरसी पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम लोग ने राष्ट्रगान भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमारे उन जवानों को जिन लोगों ने मारा है उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम पूरा देश हम लोग उनके साथ हैं। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन, हमारे संस्थापक आर मोहन समेत तमाम यहां पर सामाजिक एवं तमाम चिकित्सक लोग यहां उपस्थित हैं और हम लोग पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको भूलेंगे नहीं और हम लोग ही नहीं पूरा देश उनके तन मन और धन के साथ है।